अब यहाँ पर होता क्या है कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज का द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर तो जो ग्रामर है वो हेल्प करता है हमें इस लैंग्वेज को जनरेट करने के लिए ठीक है मतलब जो ग्रामर से हम लोग इस लैंग्वेज को जनरेट कर सकते हैं राइट जैसे हमारे पास ज़्यादातर जो लैंग्वेजेस हम लोग यूज़ कर सकते हैं दे आर मोस्टली कॉन्टेक्स फ्री लैंग्वेजेस इवन दो सम प्लेसेस अगर आप चेक करेंगे सो योर सी लैंग्वेज इज रिटन एज ए कॉन्टेक्स सेंसिटिव लैंग्वेज सी लैंग्वेज को काफ़ी जगह पर कॉन्टेक्ट सेंसिटिव लैंग्वेज भी लिखा गया है बट यू कैन सी कि ज़्यादातर जो लैंग्वेजेज हम लोग कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूज करते हैं मोस्ट ऑफ दोज लैंग्वेजेस आर कॉन्टेक्स फ्री लैंग्वेजेज ओके तो दिस इज़ समथिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन ठीक है अब जो भी आपका प्रोग्राम आपको यहाँ पर मिला है वट एवर प्रोग्राम यू हैव रिसीव्ड आफ्टर दिस प्री प्रोसेसर दैट प्रोग्राम विल बी कंसिडर्ड एज ए स्ट्रिंग एंड द स्ट्रिंग दैट इज़ प्रजेंट इन द लैंग्वेज जो प्रोग्राम हमने पढ़ा है राइट सो इन थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन यू हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लैंग्वेज आपने लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट स्टडी किया था और विद द विदेप्ट ऑफ लैंग्वेज यू हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग्स ठीक ठीक है सो लाइक फॉर एक्जाम्पल वेरियस स्ट्रिंग्स कैन क्रिएट अ लैंग्वेज एक लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी स्ट्रिंग्स यहाँ पर हो सकती है करेक्ट सो हियर इन दिस केस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रिंग जो आपका पूरा प्रोग्राम है दिस एंटायर प्रोग्राम इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस ग्रामर इस ग्रामर की हेल्प से ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हम इस स्ट्रिंग को क्या ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज के अंदर प्रेजेंट है या फिर नहीं है क्या मतलब कहने का मतलब है क्या ये स्ट्रिंग एक वैलिड स्ट्रिंग है या नहीं है राइट सो दैट एवरीथिंग वी डू इन दिस कंपाइलर डिज़ाइन इन दिस कंपाइलेशन फेज़ तो ये जो कंपाइलेशन है जो कंपाइलर वाला फ़ेज़ है इस पूरे फेज में हम लोग ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमारी स्ट्रिंग है क्या वो एक वैलिड स्ट्रिंग है या फिर नहीं है अगर वो एक वैलिड लैंग्वे स्ट्रिंग नहीं यानी कि एक वैलिड प्रोग्राम नहीं है तो हम लोग वहाँ पर एक कंपाइल टाइम एरर को थ्रो करेंगे अगर वो एक वैलिड प्रोग्राम है तो हम उसको असेंबली कोड में कन्वर्ट करेंगे ओके विल डिस्कस इट फाइन उसके बाद हमारे पास आता है असेंबलर राइट असेंबलर लिंकर लोडर तो ये जो सभी फेजेज हैं दीज फेजेज आर डिपेंडेंट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम ये फेजेज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे पहला फ़ेज़ आता है आपके पास प्रोग्रामिंग का जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग आप करते हैं एंड दिस इज़ द फेज दैट कम्स इन द कंपाइलर ये कंपाइलर वाला फेज है और जो सबसे एंड में आपका फेज़ आता है दिस इज़ मेमोरी व्हिच इज़ कम्स अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर तो अगेन यू कैन सी एक पूरी प्रोग्राम की कंपाइलेशन में आपके पास तीनों कॉम्पोनेंट मिलकर काम करते हैं पहला कॉम्पोनेंट हार्ड योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ अ सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट ये पूरा आपके पास एक सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट है दिस कंप्लीट इज़ योर सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट करेक्ट सेकेंड कॉम्पोनेंट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड थर्ड कॉम्पोनेंट इज़ योर हार्डवेयर विच इज़ यर कम्प्यूटर आर्किटेक्चर तो एक प्रोग्राम को स्टार्टिंग से लिखने से लेकर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने तक उस प्रोग्राम का रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करने तक ये तीनों जो कॉम्पोनेंट हैं एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होकर मिलकर काम करते हैं ओके दिस द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो ठीक है अब अगर मैं सिर्फ इस कंपाइलेशन फ़ेज़ की बात करता हूँ कि अगर मैं कंपाइलेशन फ़ेज कंपाइले कंपाइलर क्या है दिस इज अ सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट ये प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट है राइट दिस इज योर सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट ठीक है अब ये जो आपका सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट है राइट तो एज आई सेट कि ये आपका जो सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट है इस सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट में क्या क्या फेजिज होते हैं क्या क्या स्टेप्स होते हैं तो सबसे पहला फेज होता है यहाँ पर वो है लेक्सिकल एनालाइजर ठीक है तो अब ब्रीफ आइडिया मैं आपको देता लेट मी गिव अ ब्रीफ आइडिया ओबियसली अभी मैंने कंपेरिजन आपको नहीं पढ़ाया है बट अगेन आई थिंक सम ऑफ यू मस्ट बी हैविंग अ ब्रीफ आइडिया जैसे ऐसा ही सेट कि आपका प्री प्रोसेसर के बाद आपको एक प्रोग्राम मिला विच इज़ इट इन वन लाइन जोड़ा सा ज्यूम जो आपको प्रोग्राम मिला है दैट इज़ समथिंग लाइक दिस मेन फंक्शन यू हैव इंटीजर ए कामा बी कामा सी राइट देन यू हैव ए इज इक्वल टू फाइव बी इज इक्वल टू सिक्स एंड देन यू हैव सी इज वल टू ए प्लस बी लाइक दिस राइट तो ये आपका एक सिंगल लाइन में प्रोग्राम है दिस इज द प्रोग्राम इन वन सिंगल लाइन राइट सो दिस प्रोग्राम विल बी गिवन टू दिस लेक्सिकल एनालाइजर अब लेक्सिकल एनालाइज़र का काम क्या है कि इस पूरे प्रोग्राम में जो टोकन्स है टोकन्स का कहने का मतलब है कि हमारे पास जो एक यूनिट है जो हर एक चीज एक यूनिट है उसको आइडेंटिफाई करें जैसे कहने का मतलब है कि मेन जो है ये पूरा नाम जो है इट इज़ अ टोकन राइट दिस ओपनिंग ब्रैकेट एंड दिस क्लोजिंग ब्रैकेट दिस आर टू टोकन्स दिस ओपनिंग ब्रैट इट इज़ अ टोकन इंटीजर इज़ अ टोकन ए इज़ अ टोकन कॉमा इज़ अ टोकन बी इज़ अ टोकन तो यहाँ पर हम लोग सभी टोकन्स को आइडेंटिफाई करते हैं ओके okay? अब टोकन्स का मतलब क्या है वट इज़ द यूज़ ऑफ दिस टोकन्स इन टोकन्स का मतलब क्या है देखो अगर आपने कोई भी थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन में अगर आपने किसी ग्रामर को स्टडी किया हो अगर सम ऑफ यू हैव स्टडीड इट इफ़ यू रिमेंबर इट तो हमने थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिशन में ग्रामर में हमने कुछ ऐसा स्टडी किया था कि हमारे पास ऐसा कुछ है एस ड्राइव्स ए बी वे आर ए कैन ग्रेट स्मॉल ए ए स्लैश ए एंड बी कैन ग्रेट स्मॉल बी बी स्लैश बी ठीक है अब यहाँ पर ये जो ए और बी है दी स्मॉल ए एंड बी दीज आर योर टर्मिनल्स वो यहाँ पर टर्मिनल्स हैं एंड दिस कैपिटल ए बी एंड एस दीज आर योर वेरिएबल्स ठीक है a, S, अब ये जो पूरी स्ट्रिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक बनी है इस पूरी स्ट्रिंग में वी हैव समथिंग कॉल्ड एज टर्मिनल्स ये पूरी जो स्ट्रिंग है वह आपकी टर्मिनल की स्ट्रिंग है पूरी जो स्ट्रिंग है यह आपकी टर्मिनल की है जो पूरा प्रोग्राम आप लिखते हैं दैट इज़ अ प्रोग्राम विच इज़ अ मेड ऑफ टर्मिनल्स ठीक है अब इसमें से कुछ ऐसे टर्मिनल्स होते हैं जो हमें ऑलरेडी पता है कि जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किए जैसे कोई वैल्ड स्टेटमेंट है जैसे इक्वल टू साइन आपके पास है प्लस साइन है जैसे प्लस इक्वल टू साइन है तो ये हमें पता होना चाहिए कौन से हैं कुछ ऐसे टर्मिनल्स हैं जो कि हमने वेरिएबल के नाम क्रिएट किए हैं जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स इसको हम लोग आइडेंटिफायर्स के नाम से बोलते हैं ओके बट वेन यू गिव दिस प्रोग्राम आई मीन इफ़ यू गिव दिस ऑल ऑफ दिस टर्मिनल्स एंड टोकन्स टू दिस सिंटेक्सनलाइजर अब सिंटेक्स एनलाइजर का काम क्या है कि जो इस तरह की ग्रामर है इट शुड टेक अ ग्रामर लाइक दिस जो भी सी लैंग्वेज की ग्रामर होगी सी लैंग्वेज के ग्रामर को लेगा एंड इट विल ट्राई टू जनरेट दिस एंटायर स्टिंग द बेसिकली उस ग्रामर को लेके पूरे प्रोग्राम को जनरेट करने की कोशिश करेगा इफ दिस कैन जनरेट द एंटायर प्रोग्राम दैट मीन्स द प्रोग्राम इज़ अ वैलिड प्रोग्राम प्रोग्राम एक वैलिड प्रोग्राम है लेकिन अगर वो इस प्रोग्राम को जनरेट नहीं कर सकता तो यानी कि जो प्रोग्राम है वो एक इनवैलिड प्रोग्राम है ओके okay? तो जो सिंटेक्स एनालाइजर फेज़ है उसमें हम पूरे प्रोग्राम को जनरेट करने की कोशिश करते हैं बट सम हाउ अगर आप इस प्रोग्राम को जनरेट नहीं कर सकते दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ वैलिड प्रोग्राम मतलब इस ग्रामर के थ्रू अगर आप इस प्रोग्राम को जनरेट नहीं कर सकते दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ वैलिड प्रोग्राम इसका मतलब है कि जो आपका प्रोग्राम है इसके अंदर कुछ कंपाइलेशन एरर है सो देर सम कंपाइल टाइम एरर राइट कंपाइल टाइम एरर राइट यानी कि ऐसे एरर जो कंपाइलेशन प्रोसेस में आते हैं ड्यूरिंग कंपाइलेशन आते हैं उसको हम बोलते हैं कंपाइल टाइम एरर और ऐसे एरर जो कि प्रोग्राम को जब रन कर रहे हैं उस समय पर आते हैं तो उसको हम बोलेंगे रन टाइम एरर जैसे कि यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की सेंटेक्स एनालाइजर फेज़ के अंदर कि ये प्रोग्राम आपका वैलिड प्रोग्राम है या नहीं है तो वो हो गया आपके पास कंपाइल टाइम एरर्स ठीक है देन यू हैव सीमेंटिक एनालाइजर तो सीमेंटिकली हम देखेंगे क्या जो प्रोग्राम है वो सीमेंटिकली ठीक है या नहीं है सीमेंटिकली ठीक होने का मतलब क्या है जैसे अगर हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जैसे कैरेक्टर ए लिखे हमने कैरेक्टर ए राइट वी हैव इंटीजर बी एंड यू हैव फ्लोट सी ठीक है ये आपका कुछ प्रोग्राम है कैरेक्टर ए इंटीजर बी एंड फ्लोट सी कैन आई डू समथिंग लाइक दिस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं यू विल आइडेंटिफाई नो वी कैन नॉट डू इट वाई बिकॉज इंटीजर एंड फ्लोट इज़ अ बिगर डे टाइप एज कंपेयर टू करेक्टर अगर आप इंटीजर और फ्लोट का डेटा करैक्टर के अंदर स्टोर करेंगे ऑब्बियसली दर विल लॉस ऑफ डेटा राइट सो इट इज़ नॉट करेक्ट यहाँ पर हम लोग वी कैन प्रोड्यूस अ वार्निंग दैट इट इज़ नॉट अ वैलिड ऑपरेशन ये एक वैलड ऑपरेशन नहीं है बिकॉज यू विल लूज़ अ डेटा बट एट द सेम टाइम देर आर सम प्लेसेज जहाँ पर इस तरह की चीज़ें अलाउड नहीं होनी चाहिए आई मीन वी शुड नॉट बी एबल टू स्टोर अ फ्लोटिंग पॉइंट इन अ कैरेक्टर ठीक है तो वो एक तरह uh, से आप कह सकते हो दैट कैन से इट इज़ अ सीमेंटिक एरर कि uh, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वैलिड होनी चाहिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वैलिड नहीं होनी चाहिए यू कैन नॉट स्टोर अ फ्लोट इन अ करैक्टर तो ये जो चीज़ें हैं एक सीमेंटिक चीज़ है और उसको हम सीमेंटिक एनालाइजर फेज में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं ओके आफ्टर दिस वी गिव गो टू इंटरमीडिएट कोड जनरेटर और यहाँ पर हम प्रोग्राम को थ्री एड्रेस कोड में जनरेट करते हैं थ्री एड्रेस कोड सो अगेन इसको हम बाद में स्टडी करेंगे दिस एंटायर सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू स्टडी लेटर ऑन। उसके बाद हम लोग देते हैं यहाँ पर कोड ऑप्टिमाइजर के पास जो कि थ्री एड्रेस कोड को कन्वर्ट करता है हमने ऑप्टिमाइज करता है और लास्ट में आपके पास जो कोड जनरेटर है ये आपका असेंबली कोड जनरेट करता है दिस इज इंपॉर्टेंट यहाँ पर आके आपका असेंबली कोड जनरेट होता है तो एक ब्रीफ आइडिया मैं आपको देता हूँ जैसे फॉर एक्जाम्पल दिस इज़ अ प्रोग्राम राइट आई थिंक दिस मस्ट नॉट बी विजिबल ये आप सभी के साथ विजिबल नहीं होगा सो आई वल्सो रिटर्न दिस इन अ जूमड फॉर्मेट जैसे आपकी प्रोग्राम के अंदर एक स्टेटमेंट है x इज़ इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस डी ये आपकी एक स्टेटमेंट है प्रोग्राम के अंदर ओके okay? टोक right? आइडेंटिफाई so, करेगा जैसे यहाँ पर एक्स इज अ टोकन इक्वल टू इज अ टोकन ए इज अ टोकन बी इज अ टोकन करेक्ट तो ये सभी टोकन्स को आइडेंटिफाई करेगा लेकिन इसमें कुछ ऐसे टोकन है जो कि वेरिएबल के नाम हैं और वो नाम आपने दिए हैं वो नाम लैंग्वेज के अंदर प्रेजेंट नहीं है वो नाम आपने दिए कर तो क्या करेगा कि जो भी आपके पास यहाँ पर नेम्स हैं आइडेंटिफायर्स है उसको ये एक आई देगा इट विल गिव आई डी टू एवरी आइडेंटिफायर ठीक है और जो आपके पास जैसे प्लस सिंबल है दे विल बी यूज एज इट इज़ तो ये हमारे पास प्रोग्राम बना एंड देन वी गिव दिस प्रोग्राम टू सिंटेक्स एनालाइजर सिंटेक्स एनालाइजर ग्रामर को इनपुट लेगा एंड इट विल ट्राई टू क्रिएट अ पार्स ट्री ये एक पार्स ट्री को क्रिएट करने की कोशिश करेगा ठीक है so, सो पार्स ट्री का मतलब है कि क्या हम इस ग्रामर से इस कंप्लीट स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते ठीक है एंड फ्रॉम देयर वी गिव इट टू सीमेंटिक एनालाइजर जो चेक करेगा प्रोग्राम सीमेंटिकली ठीक है कि नहीं है मतलब कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे कि आपने एक करेक्टर को ले लिया और करेक्टर के अंदर आप एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को स्टोर कर रहे हैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं सो दैट इज़ नॉट सीमेंटिकली करेक्ट तो सीमेंटिक एनालाइज़र जो है वो सीमेंटिकली चेक करेगा कि उसके अंदर कोई सीमेंटिक मिस्टेक्स है या फिर नहीं है ओके okay? देन हमारे पास आता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर जो कि इस पास ट्रे को थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट करेगा और इसको हम जो कोड ऑप्टिमाइजर फेज़ है वो एक ऑप्शनल फेज़ है मतलब ज़रूरी है कि हमेशा इंटरमीडिएट कोड के बाद हमेशा कोड ऑप्टिमाइजेशन हो ऑप्टिमाइजेशन इज़ एन ऑप्शनल फेज़ ठीक है उसके बाद आता है आपके पास टारगेट कोड जनरेटर जहाँ पर आपके पास ये असेंबली इंस्ट्रक्शंस आती हैं यानी कि बेसिकली आपका जो कंपाइलर का मेन पर्पस है वो मेन पर्पस ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को हम टारगेट कोड में कैसे जनरेट करें यानी कि उसको असेंबली कोड में कैसे जनरेट करें दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये समझने की यहाँ पर ज़रूरत है ओके okay? जिसको समझ में नहीं आया जिसने कंपाइलर डिज़ाइन नहीं स्टडी किया डोंट वरी बट यहाँ से सिर्फ इतना गेन करो कि हमारे पास जो कंपाइलर है कंपाइलर एक यू एक, नो you know, एक राहुल गांधी का टी uh, पर एक एडवर्टाइजमेंट बहुत चला था कि नरेंद्र मोदी के पास एक मशीन है जिसके अंदर आलू दो और सोना निकलेगा आलू दो और सोना निकलेगा राइट right? आपने शायद सुना होगा दिस इज दिस वाज वेरी फेमस इन द न्यूज़ करेक्ट तो उसी तरीके से कंपाइलर के अंदर अगर आप एक प्रोग्राम देंगे इन हाई लेवल लैंग्वेज तो इससे क्या निकलेगा इससे निकलेगा असेंबली कोड तो एक असेंबली कोड की तरह यहाँ से लास्ट में असेंबली कोड निकलेगा इतना समझ आया इज़ इट क्लियर